लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आज का जो प्रकल्प गस्सों का आंदोलन था, जैसा आपने देखा विशाल आंदोलन था और इसका नेतृत्व कर रहे विधायक महेश बाल्दी साहब हमारे साथ हैं। सर, आज का जो निवेदन है किस तरह से रहा, कैसे सिडको को आप लोगों ने निवेदन दिया और क्या उनकी प्रतिक्रिया? सिडको को अल्टीमेटम दे दिया है, 15 अगस्त तक अगर उन्होंने नाम का फेरविचार नहीं किया तो एयरपोर्ट का पूरा काम ठप हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिस तरह से सिडको ने कारस्तानी की थी, उस तरह से अधिकारियों से आप लोग बातचीत को उनका रवैया क्या था? सिडको के अधिकारियों के कोई पावर नहीं है, ये अर्बन डेवलपमेंट ने उन्हें पत्र दिया था, उसके ऊपर उन्होंने ठहराव दिया था, तो इसके लिए सिडको का रोल लिमिटेड है। लेकिन जो माध्यम है वो सिडको है, आगे काम बंद होने वाले हैं वो सिडको के होने वाले, इसीलिए आज यहाँ टोकन मोर्चा था, ये तो शुरुआत है, अब आगे बहुत कुछ बाकी है। राज्य सरकार से उम्मीद आपको लगता है कि अब सरकार इतने बड़े विशाल आंदोलन से जागेगी और कहीं ना कहीं प्रस्ताव को बदलेगी? मेरे पिताजी का ही नाम देना है, उसके आगे कुछ नहीं, तो इसमें क्या जागना होगा। लेकिन अगर लोकतंत्र है, जनता की सुनना है, जनता के सुन के काम करना है, तब तो उन्होंने फेर विचार करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने ठान लिया मेरे पिताजी का ही नाम देना है तो उस पर फेर विचार होने के कोई चांस नहीं दिखता। जो आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का, अगर उसके उस तक अगर सरकार नहीं करती है तो आगे की रणनीति कैसी? आज जो आए उससे डबल तादाद में आएंगे और काम बंद करेंगे। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन और भी तीव्र होगा और एयरपोर्ट के जो निर्माण का काम है वो रुक सकता है, इसलिए सरकार को निश्चित तौर पर इस पर सकारात्मक निर्णय लेना होगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई।